क्या सूख गया है क्या ये? बिकॉज अगर बेस अच्छा नहीं हुआ ना तो सब सब धारा का धारा रह जाएगी। बहुत ओह माय गॉड, कौन वो लोग हैं जो रिव्यू इतने अच्छे दे देते हैं। परफ्यूम की बॉटल उड़ेल ली है मैंने अपने मुंह पे। बाप रे। हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, हाय आई एम सोना एंड आई मेक मेकअप, स्किन केयर, ट्रैवल, लाइफस्टाइल, आई मीन व्हाट नॉट, यू नेम इट एंड वी हैव इट। आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज वी आर गोना ट्राई द चीपेस्ट मेकअप आइटम जो नाइका पे अवेलेबल है और जो सबसे जो सस्ते वाले हैं ना, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग होती है। मैंने वैसे मेकअप प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं, पहले मैंने सोचा था फ्रॉम अमेजोन करूं, बट मैंने जब अमेजोन खोला ना तो उस पर कुछ तो मुझे देख के लग रहा था ये पक्का काम नहीं करेगा, तो मैं अपने पैसे वेस्ट नहीं करना चाह रही थी, तो मैंने नाइका का चीपेस्ट देखा, बिकॉज आई नो कुछ हीरे भी मिल सकते हैं उसमें से। जो भी ये प्रोडक्ट्स हैं ना मोस्टली अंडर 100 रुपीज हैं, कुछ तो 50 के भी अंदर है। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी मोर सेकेंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। मैंने ऑलरेडी अपना स्किन केयर कर लिया मेकअप करने से पहले जो करते हैं। यहाँ पे मेरे पास सारे प्रोडक्ट हैं, यू कैन सी जो भी मैंने मंगाया है ये नाइका के सारे डिब्बे में मैंने रख रखा है। एंड या जस्ट ट्राइंग फॉर द सच्चाई, तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है ना, आई हैव दिस पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स, एंड ये ना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था बिकॉज इसको ऐसा कहा जा रहा था जो बेनिफिट का आता है, आई थिंक दैट इज अराउंड 1200 का आता है, 1200 का आता है, ये उसका ड्यूप है। एंड लिटरली ऐसा ना कॉपी कैट जो कहते हैं ना, इनसाइड सीरियसली हमेशा ऐसा करता है, ऐसे उसी तरीके का दिखता है। ब्लू कलर में आ रहा था, आई डोंट नो अभी ये व्हाइट में क्यों आ रहा है। एंड यू कैन सी अभी मैंने इसको लिटरली खोला नहीं है, एक बार भी ट्राई भी नहीं किया है, सो वी आर गोना ट्राई दिस। मैंने वो बेनिफिट का यूज़ किया है ना, वो थोड़ा और मूजी होता है, ये थोड़ा क्रीमी है, यू कैन सी। लेट्स जस्ट ट्राई एंड देखते हैं ये कितना पोर मिनिमाइज करता है। 110 रुपए का आता है, बट ना मेरे को ये डिस्काउंट पे मिला था। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्रोडक्ट्स के लिंक दे दूंगी, इफ़ यू वॉन्ट टू बाय देम जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड यू आर गुड टू गो। वही दूंगी जो अच्छे होंगे, जो नहीं अच्छे होंगे उनके नहीं दूंगी, हम का अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ और आपका भी। सो जस्ट ट्राई करते हैं एंड लेट्स जस्ट फाइंड आउट ये कितना प्रॉमिसिंग है प्रोडक्ट। ओके डेफिनेटली इट्स वर्किंग, वाओ दिस एक्चुअली वर्क्स यू गाइस। ये ना सच में इसने मेरे ना पोर्स को, वैसे भी मेरे पोर्स इतने ज्यादा नहीं है बट जो भी है ना मिनिमाइज कर दिया है, सो या इट्स अ गुड वन यू गाइस। पहला प्रोडक्ट है इतना अच्छा। मूविंग फॉरवर्ड, जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा डर रही हूँ, विच इज़ अ फाउंडेशन, ओ माई गॉड आई एम रियली, एंड कंसीलर दोनों के लिए डर रही हूँ, बिकॉज अगर बेस अच्छा नहीं हुआ ना तो सब सब धारा का धारा रह जाएगा। एंड फॉर माई फाउंडेशन आई एम यूजिंग दिस एलेटीन का फाउंडेशन, ये भी 110 रुपए का आता है, बट ऑफकोर्स मैंने डिस्काउंट पे लिया था तो विच इज रुपए के अंदर का ही मुझे मिल गया था। एंड द शेड इज 02 मार्बल, पता है बहुत ही इनके पास ना शेड इतने कम थे ना। ये ऐसे बॉटल वाली पैकेजिंग में आई, यू कैन सी पंप नहीं है इसमें, वैसे 110 रुपए का है तो मैं इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। स्मेल इसकी बहुत, ओह माय गॉड सो मच परफ्यूम। पॉन्स का एक क्रीम आता था व्हाइट ब्यूटी, लिटरली इट स्मेल्स लाइक दैट। लेट्स जस्ट सी ना यहाँ पे कि ये अरे यार ये तो लग भी नहीं रहा है यार, दोबारा एक बार ट्राई करते हैं। मतलब आप देख रहे हो कवरेज इसकी बहुत ज्यादा पथेटिक है, मेरे को दिख रही है, बट है वैसे तो इसके रिव्यूज काफी अच्छे हैं, आई डोंट नो कौन वो लोग हैं जो रिव्यू इतने अच्छे दे देते हैं, बट लेट्स जस्ट होप। तो स्मेल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसकी, अगर आपको माइग्रेन है तो प्लीज इसे दूर रहना, मैं अभी बता रही हूँ। एंड बीबी क्रीम काइंड ऑफ लग रहा है ब्रो, ये खत्म हो जा रहा है, बहुत ही शेयर कवरेज है, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ये मेरी सारे तिल वगैरह वो दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली इट्स नॉट गिविंग मी एनी काइंड ऑफ कवरेज। ऐसा लग रहा है ना कुछ व्हाइट व्हाइट सा मैंने लगा लिया चेहरे पे। इस पे लिखा है एलेटीन लास्टिंग ग्लो फाउंडेशन। ग्लो की अगर मैं बात करूँ तो
ऐसा कोई खास ग्लो मुझे नहीं प्रोवाइड कर रहा है। ऑलरेडी मैंने अपना स्किन प्रेप कर रखा था। अगर ये किसी की ड्राई स्किन है या फिर कोई बंदा अपना स्किन केयर नहीं करता है ना, ये फाउंडेशन हिलेगा भी नहीं मुझे जहाँ तक लगता है, लाइक लिटरली नहीं हिलेगा। मेरा स्किन इसने ड्राई कर दिया है, मतलब ऐसा लग रहा है मॉइस्चर चला गया मेरे फेस से। एनी वे, मूविंग कंसीलर के लिए आई हैव दिस कंसीलर फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स एंड इट रिटेल्स फॉर 105 रुपीज़, 105 रुपए का आता है। एंड ये अंदर से ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, इस आप देख सकते हो मैंने टच भी नहीं किया है, यू कैन सी। टेक्सचर देखते हैं इसका कैसा है, ये कुछ इस तरीके का है, कंफर देखते हैं। ओके, लगाना ना बहुत ही इजी है इसे। मेरे को लग रहा था ना ये ड्राई होगा फॉर्मूला, बट बहुत ही बटरी है ये। ब्यूटी ब्लेंडर लेते हैं, जितना डर रही थी ना उससे कहीं ज्यादा अच्छा निकला ये कंसीलर। सीरियसली वाओ यार, आई एम क्वाइट हैप्पी विद द कंसीलर। कंसीलर तो लाइक मजा यार। मूविंग ऑन, अब ट्राई करते हैं द लूज पाउडर। वैसे ना अभी इस कंसीलर ने मेरी उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। फॉर माई लूज पाउडर आई हैव दिस लूज पाउडर फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स, इनसाइड HD फिनिशिंग लूज पाउडर। HD का तो मुझे नहीं पता, एंड अंदर से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है, एंड इसके अंदर ये स्पॉन्ज काइंड ऑफ चीज दे रखी है, एंड द शेड नेम इज 12 आइवरी इफ यू वांट टू नो अबाउट द शेड नेम। ये निकालना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, मैं इसमें निकाल ले रही हूँ। बाप रे, पूरा पाउडर पाउडर हो गया। देखते हैं, ये आप देख रहे हो ये कितना ज्यादा ऐसे उड़ रहा है, ऐसा धूल जैसे उड़ता है ना, डस्ट वैसा सा उड़े जा रहा है ये। कि पैकेजिंग मैं बताऊं अंदर से ना इतनी अच्छी नहीं है, खोलने के बाद ऐसा उड़ रहा है ना ये सब। देखो आईब्रोज के लिए ना मैंने कुछ भी नया प्रोडक्ट नहीं मंगाया, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है जो कि 100 रुपए के अंदर आता है। दिस रिटेल्स फॉर 45 रुपीज, एंड दिस इज अ आईब्रो पेंसिल फ्रॉम स्विस ब्यूटी। इसके साथ ये ब्रश भी आता है टू कॉम्ब योर आईब्रोज, तो मैं यही यूज करने वाली हूँ। मैं फालतू के पैसे नहीं लगाने वाली थी, बिकॉज जो मेरे पास प्रोडक्ट है तो मैं क्यों लगाऊँ, है ना। तो जल्दी से इससे अपने आईब्रोज फिल कर लेते हैं। एंड मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में ना हर एक मेकअप वीडियो में बात किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मेरे पास ये बेनिफिट का भी है, लेकिन मैं इसको प्रेफर करती हूँ ओवर बेनिफिट। इट जस्ट मी, और इज देयर एनीबॉडी एल्स हु डज दैट? आई थिंक इट जस्ट मी, बट क्या करूँ, मुझे पसंद है तो पसंद है। तो अपनी ब्राउज फिल कर लेते हैं अभी, एंड दिस वर्क्स लाइक अ बटर, believe me, this is, you can say my holy grail। जब से मैंने इसको लिया है ना मैं इसी को यूज करती हूँ, इतना प्रेजेंटेबल बना देता है फेस को। I mean, you can see the difference clearly। Done with the eyebrows। यार ये सेटिंग पाउडर ना नहीं अच्छा है, मतलब इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज ना मेरी जो कंसीलर है ना वो इतने बुरी तरीके से क्रीज कर रहा है। आई होप आपको दिख रहा होगा, यू कैन सी, एंड ऐशी लग रहा है मेरा अंडर आई एरिया, बट यू नो वॉट, यही तो बात है, यही तो पर्पज़ है ये वीडियो बनाने का। मूविंग फॉरवर्ड, बात करते हैं आई मेकअप की। आई एम क्वाइट एक्साइटेड और आई मेकअप ना, ये मैंने आई शेडो मंगाया मिस क्लेयर्स का, एंड दिस इज अ बेग्ड आई शेडो, एंड द शेड नंबर इज 13। आई मीन यू कैन सी, ये मैंने इसको भी टच नहीं किया है, बट यू कैन सी द क्वान्टिटी बहुत ही ज़्यादा है, एंड इट्स अ वेरी वर्सटाइल शेड। लाइक इसे अपने ब्राउ बोन को लगा सकते हो, एज अ हाईलाइटर भी आप इसे काम कर सकते हो, एंड आई शेडो की तरह तो ये काम करता ही करता है। बट बिफोर अप्लाइंग दिस, इस ब्राउन कलर का काजल है, इसको मैं अप्लाई करूँगी।
यार पाउडर इतना ज्यादा चौकी है ना, आई कांट इवन टेल यू, छूने पे पता चल रहा है ऐसा लग रहा है आटा लगा है मैंने। तो इसको ना थोड़ा सा मैं आंखों पे ऐसे लगा लूंगा, बहुत ही सटल स्मोकी आइस काइंड ऑफ लुक देने के लिए मैं इसको लगा रही हूँ। नाउ इट्स टाइम फॉर दिस आई शेडो जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। वाओ द पिगमेंटेशन इज, यू कैन सी दैट, ब्लाइंडिंग, बट आंखों पे देखते हैं कैसा लगता है। वाओ वाओ, तो ये ना परफेक्ट है उन लोगों के लिए जिनको ऐसे वाले कलर्स चाहिए, ऐसे वाले आई शेडो चाहिए कि एक दो ले लिया। सेम आई शेडो मैं अपने यहाँ पे ब्राउ बोन पे लगाऊंगी एंड कैन यू सी दैट, आई लव इट, आई लाइक इट। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द आई लाइनर। आई लाइनर के लिए आई हैव दिस स्केच आई लाइनर फ्रॉम ब्लू हेवन। या मैंने ऑलरेडी एक जो वीडियो बनाई थी अफोर्डेबल मेकअप किट, उसके बारे में, उस वीडियो में भी मैंने इस आईलाइनर के बारे में बात किया था, कितना इजी है इसको लगाना। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द मस्कारा। मस्कारा से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, बट दिस इज़ फ्रॉम ब्लू हेवन एंड दिस इज़ अप टू 12 आवर्स स्टे 10x वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा। वाटर प्रूफ है, नो क्लम्पिंग, लाइट वेट, इतना ज्यादा कुछ क्लेम कर रहा है कि पूछो ही मत। एंड दिस इट इज फॉर 90 रुपीज। इसको भी मैंने यूज नहीं किया अभी तक, बहुत छोटू सा है ये, यू कैन सी दिख रहा होगा। एंड इट्स टाइम फॉर द, अरे यार इसका वॉन्ड तो एकदम ही घनेरी जुल्फों वाला, जानते हो ये कैसा है इसका वॉन्ड है, जो आता है ना पानी का बॉटल साफ करने के लिए, दिख रहा है ये, बस उसका सबसे टाइनीएस्ट वर्जन सोचो, ये वही है पानी का बॉटल से साफ करने के लिए आता है। इतना ही जो क्लेम कर रहा है उसमें से कितना परसेंट सच्चाई है, बस ओके। क्या सूख गया है क्या ये? ओह गॉड, आई वाज राइट, कुछ भी नहीं कर रहा है यार इसने। अभी पता है मुझे, मेरे मुझे नीचे ये लग भी गया मुझे, ओके मुझे मेरे मेरे आई लैशेस दिखाई भी नहीं पड़ रहे, लग रहा है इसमें नहीं है। अच्छा सूखा हो गया, ट्राई करके देखते हैं। तो आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड विद द मस्कारा, बट मूविंग ऑन, आई कॉन्ट डू एनी थिंग राइट नाउ बिकॉज दिस इज द चैलेंज। नाउ इट्स टाइम फॉर द ब्लश, एंड फॉर द ब्लश आई हैव दिस प्रोडक्ट एंड दिस इज फ्रॉम ब्लू हेवन। लुक एट द कलर, हल्का सा हाथ पे सा लगा के देखा था, ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड लग रही थी, डर सा गई थी कि भाई क्या ही करेगा, बट लेट्स जस्ट ट्राई। ब्रश में देख रहे हो, पूरा ब्रश इसने गुलाबी कर दिया, ये कुछ पर्पल काइंड ऑफ कलर है। वाओ, सो इट्स पिगमेंटेड, ने ना मेरे चेहरे पे ऐसे जान सी डाल दी। बहुत ज्यादा हो गया, जेन्युइनली लाइक दिस ब्लश, बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है, तो हाथ अपने थोड़ा संभाल के इसको चलाना, एक बार में अगर ऐसा थोप लिया ना तो एकदम क्लाउन फेस बन जाएगा। नाउ इट्स टाइम फॉर द हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए आई हैव दिस ब्यूटिफुल हाइलाइटर एंड दिस रिटेल्स फॉर 90 रुपीज एंड दिस इज फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस हाइलाइटर। Wow,
And for my lip liner, I'm gonna use this Miss Claire का lip liners and this one retails for 45 rupees. Already use किया हुआ product है, so मुझे पता है इसकी performance बहुत अच्छी है. It's time for the lipstick. So yeah guys, that was it for today's video. I hope you really liked this one, and if you did, do not forget to like, share and subscribe, and stay tuned for my next video guys. Till then, take care, bye bye, I love you.